वक्त मौजूद है बाड़िया गलियात में, और यहाँ के कुछ मनाजर मैं आपको बताता चलूँ। ये देखिए जी, हमारे ये हमारा ही पाकिस्तान है, तो आइए यहाँ पर विज़िट कीजिएगा ज़रूर। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जो मैंने यहाँ पर बहुत देखा है कि लोग यहाँ पर जो हम जो चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं वो यहाँ पर फेंक देते हैं। तो ट्रैश बॉक्स यहाँ पर मौजूद है, GDA वालों ने स्पेशली जगह जगह पर बॉक्स लगाए हुए हैं, तो अपना जो ट्रैश है वो काइंडली उसमें फेंका करें, क्योंकि गलियां जितनी खूबसूरत है इसको इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए हम और आप मिलकर काम करेंगे। जिस खूबसूरती की बात कर रहे थे वो आपके सामने है। रोड नहायत ही खूबसूरत, पर जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, जो आप देख रहे हैं ये देखें आप, जो हम लेस कहते हैं इनके रैपर्स, और ये सामने आपके GDA का ट्रैश बॉक्स लगा हुआ है। तो काइंडली इन चीज़ों से ज़रा अपने आप को महफूज रखें और गलियात की खूबसूरती को ना ख़राब करें। यही वो खूबसूरती है जिसकी हम बात करते हैं बार बार, ये आप देख रहे हैं। ये है रेस्ट एरियाज, हम अभी इस वक्त मौजूद है चांगला में, चांगला से थोड़ा सा ही आगे आए हुए हैं। जी इसी के बारे में कह रहा हूँ, आपको मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा जितना सुकून यहाँ पर है ना, जितना सुकून यहाँ पर है वो आप कहीं और नहीं मिल सकता। विजिट ज़रूर कीजिएगा, एक बार नहीं 10 बार कीजिएगा, फैमिली के साथ आए, क्योंकि ये है खैबर पख्तूनख्वा और ये है अपना पख्तूनख्वा और ये है अपना पाकिस्तान। जितना हम यहाँ पर विज़िट करेंगे, जितना आएंगे, लोग आपके मेहमान नवाज हैं, यहाँ पर कोई किस्म की वो आपको जो कहते हैं ना कि मुश्किलात कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आपको मिल सकती है। लोकल ट्रांसपोर्ट भी आती है, अपनी गाड़ी भी आ सकती है, मेहरान से लेकर प्राड़ों तक हर गाड़ी में आप आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास वो नहीं है तो लोकल ट्रांसपोर्ट पर आए, लेकिन एक दफ़ा विज़िट कीजिए।
अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम यहाँ पर अभी मौजूद है डोंगा गली। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये एरिया जो है, जो बिल्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये है डोंगा गली। यहाँ पर जो पाइपलाइन अयूबिया से आप आते हैं नेशनल पार्क जो है, वो पाइपलाइन ये डोंगा गली को निकलता है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं मज़ीद नथिया गली की तरफ, क्योंकि मैं कहा चलो आपको ये नज़ारे एक दफ़ा दिखा दूँ, तो क्योंकि वी डोंट मिस एनीथिंग। तो हम ये देखिए, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ऊपर से तो द ग्रीनरी एंड वेदर और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। सो स्टे ट्यून, हम चलते हैं आगे, इंशाल्लाह आगे आपसे मुलाकात करते हैं नथिया गली में। जी हम फाइनली नथिया गली पहुंच गए, शाम का टाइम है। ये अब कुछ नज़र देख सकते हैं, यहाँ पर पार्क है नथिया गली का। ये हम थोड़ा बाज़ार से ऊपर आए हैं इस टाइम, तो ये आप नीचे बाज़ार भी देख सकते हैं। Kindly subscribe Times of Khyber YouTube channel for latest news. Stay tuned for more updates. Thank you and have a great day.